नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। करीब 32 दिनों के बाद में राजस्थान का सियासी संकट अब समाप्ति की ओर है और राजस्थान में जिस तरह से हल्ला मचा हुआ था और राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी नहा धोकर के मुंह धोकर के बैठी हुई थी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ उसी तरह से राजस्थान में करेंगे। लेकिन सचिन पायलट की और राहुल गांधी की आज मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में प्रियंका गांधी भी शामिल थी और इस मीटिंग में सचिन पायलट ने अपनी सभी मांगे, अपनी सभी बातें, अपनी सभी नाराजगियां जो है वो जाहिर की है और वहां पर सचिन पायलट को जो है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जो है वो विचार किया जाएगा और उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के कंधे पर सवार होकर के बीजेपी ये सपना देख रही थी कि मध्य प्रदेश की तरह से जो है वो यहां पर भी राजस्थान में भी सरकार बना लेगी। लेकिन सचिन पायलट ने बीजेपी के तमाम सपनों पर पानी फेर दिया और सचिन पायलट की आज की मुलाकात के बाद में जो सचिन खेमे के जो विधायक थे जो कि मानेसर में और दिल्ली में रुके हुए थे वो विधायक अब जयपुर लौट रहे हैं और अब सचिन पायलट की तरफ से जो है जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से जो बातें निकल के आ रही है वो बातें यही निकल के आ रही है कि सचिन पायलट को जो है वो दिल्ली में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और दिल्ली में ही उनको जो है या तो महासचिव बनाया जाएगा या संगठन का जो है वो महामंत्री बनाया जाएगा। इस तरह से दिल्ली के अंदर ही जो है वो सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वहीं पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सरकार के अंदर सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक है उनको जो है महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। हो सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाए या गृह मंत्री का पद जो है वो सचिन पायलट के समर्थकों को दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा घटनाक्रम चल रहा था, करीब करीब जो है 32 दिनों तक ये घटनाक्रम जो है वो चला और इस बीच में सचिन पायलट ने पहले भी साफ तौर पर कहा था, पहले भी सचिन पायलट ने बार बार इसी बात को कहा था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उनकी जो नाराजगी है वो नाराजगी है अशोक गहलोत के साथ में, अशोक गहलोत के नेतृत्व से जो है उनको समस्या है और अशोक गहलोत की वजह से जो है वो मानेसर में आकर के रुके थे और उन्होंने बार बार कहा कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी अंदर खाने जो है वो तैयारियों में लगी हुई थी और बीजेपी ने सीबीआई की, ईडी की, तमाम तरह की जो सहायता है वो बीजेपी ने ली और कोशिश की कि जो सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक है उनको तोड़ लिया जाए, जो निर्दलीय विधायक है उनको तोड़ लिया जाए। लेकिन बीजेपी को उल्टा मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी को उल्टा मुंह की खाते हुए ये डर होने लगा कि जो बीजेपी के विधायक है कहीं वही टूट करके जो है वो कांग्रेस में ना चले जाए। अशोक गहलोत की एक बात तो माननी पड़ेगी कि अशोक गहलोत ने बीजेपी का पूरा प्रेशर झेलने के बाद में भी और यहां से सचिन पायलट का भी प्रेशर झेलने के बाद में भी अपनी सरकार पर जो है वो कहीं पर कोई आंच नहीं आने दी, अपनी सरकार पर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अशोक गहलोत की जो सरकार है वो खतरे में है। पूरी तरह से ईडी का, सीबीआई का जो है वो शिकंजा जो है वो अशोक गहलोत पर कसने की बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कोशिश रही, लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई के साथ में अपनी सरकार को बचाए रखा। और इधर जो है सचिन पायलट बार बार कहते रहे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन आज जब उन्होंने राहुल गांधी के साथ में मुलाकात कर ली है, प्रियंका गांधी के साथ में मुलाकात कर ली है, तो ये जो तमाम जो दावे थे, तमाम जो शंकाएं थी उन पर पूर्ण विराम लग गया है और अब जो है सचिन पायलट दोबारा से अपनी घर वापसी कर रहे हैं एक किस्म से और सचिन पायलट को दिल्ली में ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, वो सवाल पूछे जाने जरूरी है, वो सवाल अशोक गहलोत से भी पूछे जाने जरूरी है, वो सवाल सचिन पायलट से भी पूछे जाने जरूरी है और वो सवाल राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व आलाकमान से भी पूछे जाने जरूरी है। अशोक गहलोत से इसलिए पूछे जाने जरूरी है कि क्यों आखिरकार उनके रहते हुए और इतने पुराने उनका राजनीतिक अनुभव होते हुए क्यों आखिरकार उनके उप मुख्यमंत्री के साथ में उनके रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं हो पाए, ये सुलगता हुआ सवाल जो है वो अशोक गहलोत से जरूर पूछा जाना चाहिए। और क्यों आखिरकार सचिन पायलट ने जो बगावत की वो आखिरकार क्यों की, आज सचिन पायलट को उस बगावत करके क्या हासिल हुआ, जो सम्मान उनका था, जो सम्मान संगठन के अंदर था, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी के अंदर था, क्या वो सम्मान जो है वो फिर से उसी तरह से उतनी ही समय जल्दी जो है वो हासिल हो पाएगा, ये सवाल सचिन पायलट से भी पूछा जाएगा और एक सवाल जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व से और राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों जो है राहुल गांधी और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आलाकमान के जो नेता है वो अपने जो राज्यों में सरकार है उनके जो नेता है उन नेताओं पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्यों पहले सिंधिया और उसके बाद में अब सचिन पायलट ने जिस तरह से बागी तेवर दिखाए,
क्यों आखिरकार कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आलाकमान है, वो इतना ढीला ढाला रवैया जो है वो क्यों अपनाता है कि राज्यों में जो उसके नेता हैं वो बगावती सुर जो है वो अपनाते हैं और बगावत जो है वो करने के लिए आमादा हो जाते हैं, इस तरह से जो है वो क्यों कांग्रेस के अंदर होता है। और एक सवाल जो है, एक सवाल तमाम इस पूरे घटनाक्रम ने ये बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गांधी परिवार की चलती है और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार की गुलाम है, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ये सवाल जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। किस तरह से आपने देखा कि सिंधिया जो है वो पार्टी छोड़ करके चले गए, लेकिन राहुल गांधी ने सिंधिया के लिए एक भी कटु शब्द जो है वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने जो है वो समझौता कर लिया है और अपनी विचारधारा, जो उनकी विचारधारा थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंधिया मेरे कॉलेज के समय से जो है वो मित्र रहे हैं और सिंधिया ने अपनी विचारधारा जो है वो पॉकेट के अंदर रख ली है और समझौता कर लिया है और कैबिनेट का मंत्री बनने के लिए, राज्यसभा की एक सीट पाने के लिए एक समझौता कर लिया है। उन्होंने सिंधिया के लिए कोई भी कटु शब्द नहीं बोला। वहीं पर सचिन पायलट का 32 दिनों तक जो है बगावती सुर जो है वो सचिन पायलट अपनाते रहे, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई भी कटु शब्द जो है वो सचिन पायलट के लिए नहीं बोला गया। तो ये बात जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गांधी परिवार की चलती है और पूरी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुलाम है गांधी परिवार के, ये बात पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। लेकिन एक सवाल और भी पूछा जाना चाहिए, ये सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इसमें जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, जीत इसमें किसकी हुई। अगर कांग्रेस पार्टी और आलाकमान जो है अगर वो सचिन पायलट के साथ चली जाती तो ऐसे में बगावती हो जाते अशोक गहलोत, और अगर अशोक गहलोत के साथ में पूरी तरह से पार्टी खड़ी हो जाती तो पूरी तरह से जो है फिर सचिन पायलट के लिए रास्ते खत्म हो जाते, दरवाजे बंद हो जाते और ऐसे में सचिन पायलट के लिए वापसी करना मुमकिन नहीं हो पाता। तो ऐसे में सवाल यह पूछा जाएगा कि लड़ाई जो थी वो लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थी, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान हुआ राजस्थान की जनता का और कांग्रेस पार्टी का। तो इसलिए सवाल जो है वो हर किसी से पूछे जाएंगे और सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे कि जब उनके पास में पूरी तरह से सचिन पायलट आए ही नहीं थे, तब बीजेपी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके क्यों आखिरकार धर्मेंद्र राठौड़ और अशोक अरोड़ा, जो कि अशोक गहलोत के करीबी नेता थे, उनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा और जिस होटल में अशोक गहलोत के विधायक ठहरे हुए थे वहां पर सीबीआई की रेड जो है वो डलवाई जाती है, ईडी की रेड जो है वो डलवाई जाती है। तो बीजेपी से भी ये सवाल पूछा जाएगा, सवाल हर किसी से पूछना चाहिए और सवाल पूछना ही आपको लोकतंत्र की जो है वो मजबूताई की तरफ जो है वो लेके जाता है और सवाल ना पूछना आपको भक्त बनाता है, आपको चमचे बनाता है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि सवाल जरूर पूछिए, हर किसी से पूछिए, सत्ता से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, अपने नेता से पूछिए, अपने कार्यकर्ता से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, अपने सांसद से पूछिए, क्योंकि आपको सवाल पूछना ही जो है वो आपको इंसान बनना सिखाता है। रवीश कुमार लगातार जो है इस बात को बोलते हैं कि बोलते रहिए, उनका एक ही मंत्र है कि बोलते रहिए, बोलते रहिए और बोलते रहिए, यही रवीश कुमार का जो है वो मंत्र है। इसीलिए वो लगातार कहते हैं कि सवाल पूछना बेहद जरूरी है और सवाल इस पूरे प्रकरण में पूछा जाएगा कि आखिरकार जो 32 दिनों तक जो भीलवाड़ा की जो प्रशंसा हो रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा की प्रशंसा की थी, राजस्थान के भीलवाड़ा की प्रशंसा की थी कि राजस्थान का भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो कोरोना की लड़ाई में सबसे मजबूताई से जो है वो बढ़कर के निकल करके सामने आया है। ऐसे समय में राजस्थान की सभी पार्टियों के नेताओं ने राजस्थान की जनता के साथ में भी नाइंसाफी की है, इस बात को भी जरूर अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि सभी नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक कद को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की, सभी ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, किसी ने सरकार के अंदर अपना कद बढ़ाने की कोशिश की, किसी ने विपक्ष के अंदर अपनी कद बढ़ाने की कोशिश की और किसी ने विपक्ष के अंदर रहते हुए भी सरकार बनाने की कोशिश की। इन बातों को जो है जरूर अंडरलाइन किया जाना चाहिए और इन बातों को जरूर जो है वो याद रखा जाना चाहिए। बहरहाल अब सवाल यही है कि राजस्थान में जिस तरह से सियासी जो संकट चल रहा था, 32 दिनों के बाद में बीजेपी के हाथ जो है एक बार फिर से खाली के खाली रह गए, तो क्या बीजेपी इस घटना से ये सबक लेगी कि जहां पर जिस राज्य में जिसकी सरकार चुनी गई है तो क्या उसको 5 साल तक सरकार चलाने के लिए उसको उसके साथ में छेड़छाड़ ना करे, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना करे, क्या बीजेपी इस बात के लिए भी सबक लेगी और आगे से बीजेपी जो है वो किसी राज्य के अंदर जो है वो सरकार में दखलंदाजी नहीं करेगी,
क्या इस तरह से जो है वो बीजेपी इस बात से ये राजस्थान के साथ राजस्थान से जो है ये सबक ले पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।